हेलो फ्रेंड्स, फ्रीजर एक्वेरियम आपका स्वागत करता है आपके पेट शॉप का साथी सिंस 1998 से, जिसमें बहुत सारी वैरायटीज, एक्जॉटिक फिश की वैरायटीज है, जैसे रेडटेल गोल्डन अरवाना, पर्ल अरवाना, डिस्कस, ऐसी बहुत सारी वैरायटीज जो रोज अवेलेबल हमारे पास नई नई फ्रेश वैरायटीज आती है। और कैट फूड में भी बहुत सारी वैरायटीज है, जैसे म्याओ ब्रांड है, रॉयल कैनिन है, विस्कस है, रूल्स है, ऐसी बहुत सारी वैरायटीज जो हमारे पास अवेलेबल है और विथ डिस्काउंट्स। और इसके लिए आपको हमारी शॉप पे आइए, एक बार विजिट करिए और उसका फ़ायदा उठाइए। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। महिलाओं पर अत्याचार, रेप, किडनैपिंग, मर्डर जैसे जघन्य अपराध थमने का नाम नहीं ले रहे। एक बार फिर एक विवाहिता को दहेज लोभियों ने मौत के घाट उतार दिया। मामला उत्तर प्रदेश के गोंडा शहर के कटरा थाना चिरैया डांड का है। ग्राम धनगर की रहने वाली नीलम देवी का विवाह 2012 में राम कुमार पुत्र रजित राम से हुआ था। आरोप है कि दहेज के लिए सास ससुर और पति नीलम देवी को प्रताड़ित किया करते थे और दहेज में सोने की चेन, मोटरसाइकिल की मांग किया करते थे। नीलम देवी के भाई ने बताया है कि उन्हें फ़ोन आया कि उनकी बहन की तबीयत ठीक नहीं है, मगर जब ससुराल पहुंचकर देखा तो वहां का नज़ारा ही कुछ और था। उनकी बहन की मौत हो चुकी थी। मृतक नीलम देवी के भाई का आरोप है कि उसके पति, सास ससुर ने नीलम देवी को दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे और उन्हीं ने पीट पीट कर उसे मार डाला है, क्योंकि नीलम के बदन पर चोट के निशान भी हैं। बहरहाल मृतक के भाई ने पुलिस में इंसाफ के लिए एक लेटर भी दिया है और पुलिस इस मामले की जांच में भी जुटी हुई है। पुलिस जांच में ही सच सामने आएगा कि आखिर नीलम देवी की मौत कैसे हुई है और क्या वाकई में ये दहेज प्रताड़ना का मामला है। पुलिस जांच में ही इसकी सच्चाई सामने आएगी। सुनिए मृतक का के भाई ने क्या कुछ कहा है। पूजा राम यादव, ग्राम धनखर, पोस्ट ठगुरापुर, थाना जो है देहात कोतवाली, तहसील करनगर, ब्लॉक परसपुर जी। बहन के जैसे 6 महीना पहले मारपीट कही है। हम ये रामलाल, राजित राम, राम कुमार, ये कौन है आपके? ये हमारे बहन के ससुर हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? रहने वाले हैं जो है अशोकपुर मौजा चिरैया टाँड गाँव। थाना कौन सा लगता है? थाना कटरा। 6 महीना पहले मार के ओकरे बाल लेके घरे भेजिया है। 4-5 दिन गए हमारे मातारी से घरे झगड़ा केहन हूँ गाली दहीन और हम लोग 6 महीना हुआ रही और वगैरह बाद जबरदस्ती बुलाए ये सब है कि पंचायत कहीं गए घरे और वहाँ से लेके आए फिर मारिन पीटिन। मारा पीटा रोज करत रहे, रुपया मांगत रहे कि जो उन्हें 2 लाख रुपया दियो। अब जो उन्हें वहाँ का रात के मार के और ख़त्म कर दिन वगैरह बाद सवेरे जो है 9 बजे कहन। आपको कैसे सूचना मिली? हमका रामलाल फोन कहन। सवेरे 9 बजे फोन में बताएं कि आपके बहन का तबीयत ज़्यादा ख़राब है। तो हम कहाँ हो? कहन गोंडा हन। लेकिन डॉक्टर बताएं ही कि हो सकत है कि ख़त्म हो जाए। तो हम कहा जैसे हम घबरानन तैसे कहें अब हमका ख़त्म हो जाए। कहें हाँ वह ख़त्म हो चुकी। तो हम उनसे कहा कि मैंने जब रात के मामला रहा तब अतनी टाइम फ़ोन की हो, जब शामे का तुम्हें बतावे चाहे तो कहें नहीं नहीं जो उन्हें अतरीन टाइम मिला यही बात बताएं। तो हम कहा मार डायरो तब फोन की हो, बस तुरंत फोन काटें। सूचना पे हम इनसे फिर बाद में कॉल किया कि जैसे आप हैं कहाँ, गोंडा हैं कि घर पर हैं? तो इन्होंने बताया कि नहीं, हम लाश लेकर घर पे आ गए हैं। क्या लग रहा है उसमें? आपने उसको मतलब लाश देखी तो आपको क्या लगा? हमको लाश देखी तो उसके जैसे चोट जो उन्हें बनी है पीठ में देखा गया और उसे आई जैसे हमारे घर के जैसे महतारी बहन वाइफ वगैरह बाद में सब लोग देखी न तो पीठ में चोट बना है, मुंह से खून भी गिर रहा है। गांव के लोग 10-20 लोग बता भी रहे हैं कि हम आ रही। शादी का 2012 के बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं।